हे एवरीवन, बेन 10 के और सीरीज में हमें कई पावरफुल एलियंस देखने को मिले हैं और कई इलेक्ट्रिक पावर्स वाले एलियंस भी देखने को मिले हैं, जिनमें से बेन के कई फेवरेट एलियन हैं जैसे फीडबैक। तो आज की वीडियो में आपको बेन के टॉप 5 इलेक्ट्रिक पावर्स वाले एलियंस के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन की फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 क्लासिक के बी एफ्रेड ऑफ डार्क एपिसोड में हुई थी। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में ही इसने गोस्ट फ्रीक को स्पेसशिप से बाहर फेंक दिया था। फ्रैंकेनस्टाइन की स्पीसीज ट्रांसलियन और होमवर्ल्ड ट्रांसिल है। फ्रैंकेनस्टाइन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, क्या खूब। फ्रैंकेनस्टाइन के बैक पर 2 कंडक्टर कॉइल्स है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रैंकेनस्टाइन के पास इनहेंस जंपिंग, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्पीड है। फ्रैंकेनस्टाइन अपने हाथों और पैरों दोनों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रैंकेनस्टाइन की अपीयरेंस हमें बेन 10 की ऑल सीरीज में बहुत कम देखने को मिली है, इसलिए मैंने फ्रैंकेनस्टाइन को नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4, एम्फीवियन। एम्फीवियन की फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 अल्टीमेट एलियन के फ्यूज्ड एपिसोड में हुई थी। एम्फीवियन की स्पीशीज एम्पेरी है और इसके होमवर्ल्ड का अभी तक पता नहीं चला है। इसका होमवर्ल्ड अननोन है। एम्फीवियन की बॉडी जेलीफिश की तरह है। एम्फीवियन के हैंड्स स्ट्रेचेबल है। एम्फीवियन के पास इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। एम्फीवियन अंडर वाटर ब्रीथिंग भी कर सकता है। एम्फीवियन फ्लाई भी कर सकता है। एम्फीवियन की पूरी बॉडी से बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। एम्फीवियन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जाकर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए मैंने इसे नंबर 4 पर रखा। नंबर 3, बटशॉक। बटशॉक की फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 क्लासिक के बेन 10,000 एपिसोड में हुई थी। बटशॉक की स्पीसी नोसिडीनियन है और इसका होम वर्ल्ड नोसिडीन क्वासार है। बटशॉक की बॉडी एक बैटरी की तरह दिखाई देती है। बटशॉक बेन के स्मॉलेस्ट एलियन में से एक है। बटशॉक अपने डुप्लीकेट भी बना सकता है और जब इनकी पावर्स बहुत कम हो जाती है तब ये सो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पर रखा है। नंबर 2, सॉक्सक्वॉच। सॉक्सक्वॉच की फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज में हुई थी। सॉक्सक्वॉच की स्पीसीज गिमलिनोपैथिकस है और इसका होम वर्ल्ड पैटरसोनिया है। सॉक्सक्वॉच बेन का इलेक्ट्रिक एलियन होने के साथ साथ बेन का काफ़ी पावरफुल एलियन भी है। सॉक्सक्वॉच के पास इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड जंपिंग है। सॉक्सक्वॉच काफ़ी दूर तक जंप कर सकता है। सॉक्सक्वॉच की बॉडी के हर पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सॉक्सक्वॉच अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है जो बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए मैंने इसे नंबर 2 पर रखा है। नंबर 1, फीडबैक। फीडबैक की फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 ओमनियर सीरीज के द मोर थिंग्स चेंज पार्ट 1 एपिसोड में हुई थी। फीडबैक की स्पीसीज कंडक्टोइड है और होमवर्ल्ड एसलेवर नेबुला है। फीडबैक बेन का सबसे फेवरेट एलियन है। फीडबैक बेन के टॉप 10 पावरफुल एलियंस में से एक है। फीडबैक के पास इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड एजिलिटी है। फीडबैक इलेक्ट्रोकाइनेटिक फ्लाइट भी कर सकता है। फीडबैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फीडबैक अपने हेड के ऊपर वाले दोनों वायर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपने हैंड से बाहर पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब बेन 11 साल का था तो फीडबैक एलियन मिला था, तब बेन फीडबैक का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था अपने एनिमीज से फाइट करने में। इसलिए मालवीय को फीडबैक की साइड ट्रिक्स का पता चल गया था। तब मालवीय ने फीडबैक को बेन के ओमनी ट्रिक्स से अलग कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद फीडबैक की बेन 10 ओमनियर्स के शोडाउन पार्ट 2 एपिसोड में रिटर्निंग हुई थी। अपनी रिटर्निंग के बाद फीडबैक की मालवीय के साथ फाइट हुई और फीडबैक ने मालवीयर को हरा दिया था, इसलिए मैंने फीडबैक को नंबर 1 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बेन का कौन सा इलेक्ट्रिक एलियन सबसे अच्छा लगता है।